गले में बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, बहुत सारी गले संबंधित बीमारियां होती है। उसी में से एक बीमारी होती है कि गले के अंदर खराश आ रही है। ये सर्दियों के मौसम में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इस प्रकार लगता है कि गले के अंदर खराश आ रही है। अगर आपको भी इस प्रकार की समस्या है तो आज की रेमेडी आप सभी के लिए कि हम बात करते हैं हमारे वीडियो के अंदर रीजन की, रेमेडी की और रिमूव की। तो टाइप होते हैं गले में खराश होने के। अगर आपको बैक्टीरिया का किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो गले के अंदर अचानक से खराश आने लग जाती है, जिसके बहुत सारे सिम्टम भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे निगलने में दर्द होने लग जाएगा, खाना भी अगर आप खा रहे हैं तो दर्द महसूस होगा, पानी भी पी रहे हैं तो दर्द महसूस होगा। जरूरी नहीं है कि इसके अंदर आपकी नाक बहे या सर्दी जुकाम भी लगे। सूखी खांसी चलेगी, गले के अंदर कुछ चुभता हुआ महसूस होगा या फिर गले के अंदर सफेद सफेद पैचेस भी बनने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आपको बैक्टीरियल संक्रमण होगा तो ये सारे सिम्टम आपको दिख सकते हैं। अगर आपको एलर्जी के कारण इस प्रकार गले के अंदर खराश आई है तो जैसे कि धूल की वजह से आपको एलर्जी हो सकती है, खाने की किसी पदार्थ से आपको एलर्जी हो सकती है या फिर आपको ठंड की वजह से एलर्जी हो सकती है। जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो ठंड की वजह से एलर्जी हो सकती है। जैसे सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा शादी का सीजन रहता है, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवलिंग करते हैं, ऐसे में या तो हमारे बिस्तर या कुछ ऐसी चीज होती है जहां पर हम सो रहे हैं तो वहां से थोड़ी सी धूल मिट्टी भी अगर हमारे नाक के द्वारा गले में पहुंच जाती है तो गले की खराश होने का संक्रमण हो जाता है। और ये एक ऐसा संक्रमण होता है जिसके अंदर आप शादी के अंदर खराश महसूस करेंगे, आपकी आवाज बैठ जाएगी और इस प्रकार से ऐसा लगेगा कि दर्द महसूस हो रहा है। इसी कारण से अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहा है और किसी भी कारण ये आपको समस्या हो गई है तो मैं आपको जो रेमेडी बता रही हूँ उसे आप करेंगे तो आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। गले के ऊपर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, आप एक बार जाकर उनको जरूर चेकआउट करें। मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में सारे पिन कर दूंगी जिससे कि आप उनको देख सके। सारी की सारी रेमेडी काफी ज्यादा नेचुरल है, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होएगा बल्कि आपको जल्दी से आराम मिल जाएगा। रोट इन्फेक्शन जब भी होता है, चाहे गले की खराश हो, निगलने में दर्द हो, टोन्सिल हो, सफेद पेचेस हो, गले को डेटॉक्स करना जरूरी होता है क्योंकि वहां पर इन्फेक्शन पहुंच चुका होता है। तो गले को डेटॉक्स करने के लिए यहाँ पर आप गर्म पानी करिए, उससे आप गरारे कर सकते हैं। यहाँ पर गरारे करने के लिए अलग अलग तरह की पानी बनाकर आप उसे गरारे कर सकते हैं। ना है गरम पानी करना है, एक चम्मच भर का अदरक का रस डालना है और थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना है और उसी पानी से आपको गरारे करने। इस तरह का पानी आप बनाकर जल्दी से गरारे करेंगे तो आपको लगेगा कि गला पूरी तरह से खुल गया है, जो दर्द महसूस हो रहा था, बैक्टीरिया का संक्रमण हो चुका था, एलर्जी थी, उसमें काफी आराम आया है। इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा छोटा सा टिप दूंगी कि अगर आप कभी शादी ब्याह में जाते हैं और आपके गले के अंदर इस तरह से खराश लगती है तो आपने देखा होगा कि वहां पर जो स्टोल लगती है या खाना बनाने वाले होते हैं शादियों के अंदर, उनसे आप थोड़ा सा पानी बॉइल करवा सकते हैं। अदरक जरूर मिल जाती है सर्दी के मौसम में, तो आप उससे अदरक का रस उसमें डलवा सकते हैं। हल्दी और नमक भी वहां पर मिल जाता है, तो उस पानी से अगर आपको शादी के टाइम पे इस प्रकार की समस्या हो गई है तो आप उसी समय गरारे करेंगे तो आपको काफी आराम होगा। इसी के साथ में गरारे करने के बाद एक छोटा सा आपको पानी भी बनाकर पीना है, जिससे गला एकदम से खुल जाएगा, खराश बिल्कुल सही हो जाएगी, जो एलर्जी हो रही थी उसमें भी आपको आराम आ जाएगा। एक ग्लास पानी लेना है, उसमें एक चम्मच अदरक का रस डालना है, पांच तुलसी के पत्तों का रस डाल देना है, छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालना है, पानी को अच्छे से बॉईल होने देना है, एक कप पानी रह जाए इतना उसे बॉईल करना है, फिर उसमें एक छोटा सा पिंच आप गुड़ डाल दीजिए और उस पानी को छान करके आप पी लीजिए। ये आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, एलर्जी लेवल को बढ़ाएगा, बैक्टीरिया को खत्म करेगा, सर्दी जुकाम को खत्म करेगा, क्योंकि अदरक के अंदर कफ होता है या फिर एलर्जी हो जाती है, सर्दी बैठ जाती है, उसको काफी सही करता है। इसी तरह से काली मिर्च होती है वह कफ नाशक होती है, उसमें बैक्टीरिया को खत्म करने की शक्ति होती है और बिल्कुल इम्यूनिटी को अच्छा रखती है, यानी कई बार आपको खराश आने की वजह से जो सूखी खांसी चलती है वह बिल्कुल सही करती है। गुड़ यहाँ पर इसीलिए डाला है कि कई बार खराश होने पर हम मीठी चीज का प्रयोग करते हैं तो उसमें आपको जल्दी से आराम मिलता है, तो गुड़ डालने से ऊर्जा मिलेगी और गले की खराश चुटकियों में दूर हो जाएगी। रेमेडी तो ऐसी है जिसे आपको घर पर ही कर सकते हैं, क्योंकि आप शादी में गए हैं और गले में खराश आ गई है तो गरारे तो आपने वहां पर किसी प्रकार का पानी बनाकर कर लिए, लेकिन वहां पर अदरक जरूर रहती है तो उसको आप क्या करें, छोटे छोटे से पीस करवा लीजिए उसके पास से, हलवाई के पास से, और उसमें सेंधा नमक या कोई सा भी नमक उस समय पर मिलता है उसे आप लगा करके चूसिए। अगर आप उसे चूसते भी है, गले के अंदर रखते भी है, मुंह में इस तरह से रखते रहेंगे तो गले की खराश बिल्कुल सही हो जाएगी, जो एलर्जी धूल मिट्टी के कारण हुई है वह बिल्कुल सही हो जाएगी। साथ में कुछ रिमूव भी करें, जैसे कि ठंडी और खट्टी चीजें तब तक ना खाएं जब तक आपको गले में संक्रमण रहता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।